हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इधर मेरे वीडियो आने में कुछ थोड़ा गैप हो गया, थोड़ा नहीं, कुछ ज़्यादा ही गैप हो गया, तो कुछ हेल्थ इशू की वजह से। खैर, आगे बढ़ते हैं। और आज जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंड्स, ये एक DIY डेकोर वीडियो है। और जैसा कि आप मैंने मेरे वीडियोस देखे होंगे, तो मैं ज़्यादातर बहुत सिंपल और बहुत लो बजट में बनाने की कोशिश करती हूँ जितने भी मेरे DIYs हैं। और तो आई होप आपको ये वाला भी DIY बहुत पसंद आएगा। तो आज जो वीडियो मैंने शेयर कर रही हूँ, उसमें मैंने एक PVC पाइप के पीस से एक फ्लावर पॉट बनाया है। तो बहुत कम बजट में बन के तैयार हुआ और देखने में बहुत सुंदर है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वास बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने ये PVC पाइप लिया है। तो ये क्योंकि दोनों तरफ से ओपन होता है, तो एक तरफ का हम कवर करेंगे। इसके लिए मैंने कार्डबोर्ड लिया है और ये वॉल पुट्टी ली है। तो इस तरीके से हम इसके साइज़ का कट कर लेंगे कार्डबोर्ड को। और मैंने दो पीस कार्डबोर्ड कट किए हैं और उनको आपस में ऐसे चिपका के फिर उसके एक साइड में, PVC पाइप के एक साइड में हम उसको स्टिक कर देंगे, जिससे इसका बेस तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने वॉल पुट्टी का पाउडर लिया हुआ है, इसमें हम पानी डालते हुए हल्का हल्का पानी डालेंगे, जिसमें इसमें लम्स ना पड़े, और एक थिक पेस्ट बनाएंगे। और ये पेस्ट जो है हम PVC पाइप के ऊपर अप्लाई करेंगे। देखिए, इस तरीके से ये पेस्ट बनके तैयार हो गया है। अब इस पुट्टी के पेस्ट को हाथों की हेल्प से ही फ्रेंड्स हम इस पाइप के ऊपर अप्लाई करेंगे। और जो नीचे का एरिया जहाँ पर बेस बनाने के लिए हमने कार्डबोर्ड के पीस लगाए थे, उसको भी हम अच्छे से कवर कर देंगे, जिससे वो कार्डबोर्ड के पीस दिखाई भी नहीं देंगे और थोड़ी उसको मजबूती भी मिल जाएगी। तो देखिए, इस तरीके से लगा लिया। तो फ्रेंड्स, आपके पास अगर हाथ से अपना लगा पाएँ तो बटर नाइफ भी इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, नाइफ पे लेके और इस तरीके से आप लगा सकते हैं इसको। ये फ्रेंड्स पाइप के ऊपर वाला एरिया है। तो ये पुट्टी का पेस्ट मैंने ऐसे ही हाथ से लेके इस पर ऐसे लगा दिया है, तो ये डिज़ाइन जैसी बन गई है। देखिए, देखने में कितनी सुंदर लग रही है। और अगर आप ब्रश से लगाना चाहें तो ब्रश से भी लगा सकते हैं। अभी हल्का हल्का सूख गया है, तो एक फोक की हेल्प से इस तरीके से मैंने इसमें अनइवन सी लाइंस बना दी हैं, और तो ये एक डिज़ाइन का लुक देंगी। और फ्रेंड्स, अब हम उसी पुट्टी के पाउडर से एक डो जैसा बना लेंगे, जैसे रोटी के लिए आटा गूंथते हैं, वैसे ही एक सॉफ्ट डो हम बना के तैयार करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक भीगे हुए कॉटन के कपड़े में मैंने इस डो को लपेट के रख दिया है, जिससे ये सूखेगा नहीं। और थोड़ा सा बेबी पाउडर या टेलकम पाउडर लेंगे और इसकी हेल्प से हम फ्लावर्स बनाएंगे जो हम वास पे लगाएंगे अपने। तो थोड़ा सा पीस हम इस डो का लेंगे इस तरीके से, और ऐसे फिंगर के बीच में ऐसे स्टिक दबा के छोटे, और उनको एक कर्व शेप दे देंगे, और उसी कर्व शेप के ऊपर और अलग अलग पेटल्स का को बना के उस पर चिपकाते जाएंगे, तो हमारा फ्लावर ये बन के तैयार हो जाएगा। तो ये फ्लावर देखने में बहुत सुंदर लगते हैं फ्रेंड्स, मैंने पहले के भी अपने वीडियो में ये बनाए हैं। तो देखिए, ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। इसी तरीके से हम कई फ्लावर्स और थोड़े से लीफ के शेप भी तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ फ्लावर्स रेडी कर लिए हैं और कुछ लीफ के शेप भी मैंने इससे बनाए हैं। और ये पुट्टी का पेस्ट लगा हुआ पाइप हमारा बिल्कुल रेडी है, ये ड्राई हो चुका है। और जो फ्लावर और लीव्स मैंने बनाई हैं, वो भी एकदम ड्राई हो गई हैं। तो फेविकॉल की हेल्प से हम इसके ऊपर, पाइप के ऊपर इसको स्टिक कर देंगे, तो एक अच्छा सा शेप देते हुए। तो मैं यहाँ पर बंच का शेप दे रही हूँ,
तो आप चाहें तो कोई भी डिज़ाइन इन फ्लावर्स से आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो मैंने पाइप के ऊपर फ्लावर्स लगा के एक बंच बनाया था, ये पूरी तरह ड्राई हो चुका है। अब देखिए छूने में बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ब्लैक एनिमल पेंट मैंने लिया है और इसको अच्छे से पेंट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने इसके लिए ब्लैक एनिमल पेंट लिया है, तो आप चाहें तो कोई भी एक्रिलिक पेंट या फैब्रिक कलर जो आते हैं आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स ये फ्लावर्स के बीच का जो एरिया है इसको भी हम पेंट करेंगे, और इसके लिए मैंने देखिए पतला ब्रश यूज़ किया हुआ है, जैसे कि जो वाइट सरफेस है पाइप का पुट्टी लगा हुआ वो बिल्कुल ना दिखाई दे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जहाँ पे वाइट सरफेस है वहाँ पे अच्छे से इस पर ब्लैक पेंट कर दीजिएगा, और ये जो नीचे का एरिया है इस पर भी हम पेंट कर देंगे, तो जिससे ये थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा जहाँ पर हमने कार्डबोर्ड लगाया था। ये देखिए ऐसे पेंट होके ये तैयार हो गया है और एक हमारा वास का लुक रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने गोल्डन डस्ट लिया है फेब्रिकल का, और इसको किसी बाउल पे ऐसे हम निकाल लेंगे, और इसको हम अब उस पीवीसी पाइप पे अप्लाई करेंगे। जब पेंट लगाने के थोड़ी देर बाद, जब पेंट पूरी तरह सूखे भी नहीं और बहुत गीला नहीं हो, उस टाइम पे हम इसको अप्लाई करेंगे। और ब्रश में लेके बस ऐसे हल्के हल्के स्ट्रोक्स ब्रश से अनइवन से इस पर चलाने हैं हमको। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पेंटिंग आती हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस तरीके से देखिए हम चलाएंगे तो एक एंटीक लुक इसका पीवीसी पाइप का क्रिएट हो जाएगा, और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। जितना वीडियो में आपको दिखाई देगा ये, उससे ज़्यादा आप अगर इसको बनाने के लिए ट्राई करेंगे तो रियल में देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा, हमें इसको चारों ओर अप्लाई करना है गोल्डन डस्ट को, और जो ऊपर का हमने एरिया किनारी जैसी इसकी बनाई थी उस पर भी हम इस गोल्डन डस्ट को अप्लाई करेंगे, जिससे ये पूरा गोल्डन मिक्स होके एकदम एंटीक लुक इसका आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे पीवीसी पाइप का बने हुए फ्लावर वास का ये फाइनल लुक है, और देखने में देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा है कि ये पीवीसी पाइप का बना हुआ है। और मार्केट में इस टाइप के एंटीक लुक वाले वाज काफ़ी हाई रेट पे अवेलेबल होते हैं, तो फ्रेंड्स इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करने की कोशिश करिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो किसी भी रीज़न से पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक बेहतरीन से वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।